हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है बीटेक में। तो दोस्तों, जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो वीडियो एटीएम कार्ड से रिलेटेड है। दोस्तों, जो एटीएम कार्ड आपके लिए कितना एडवांटेज है और कितना डिसएडवांटेज है, जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो मतलब कि ये वीडियो के बारे में जो फुटेज था एटीएम कार्ड के बारे में, वो मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मैं अपनी पुरानी किसी वीडियो की फुटेज में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो एटीएम कार्ड होता है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी डेली लाइफ में जैसे जैसे मतलब कि आप लोग ऑनलाइन की तरफ को मूवमेंट मूव कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको एटीएम कार्ड की काफ़ी यूज़फुल मतलब कि यूज़ होगी। क्योंकि दोस्तों, आज की डेट में हर एक चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाती है, और ऑनलाइन पे करने के लिए आपको एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी एप्लीकेशंस है जो मतलब कि आपको ऑनलाइन सर्विसिंग प्रोवाइड करती है, वहाँ पर भी आपको एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हर एक जगह पे आजकल मतलब कि एटीएम कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। आपको मतलब कि बिना बैंक जाए कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो आपको एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ जाएगी, और आप एटीएम मशीन से आपके ट्रांजेक्शन ईजीली कर सकते हैं। आप वहीं पर मनी भी डिपॉजिट कर सकते हैं एटीएम कार्ड के थ्रू। दोस्तों, इसलिए एटीएम कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि दोस्तों आपको हर एक टाइम मतलब कि जैसे कि पेटीएम यूज़ करना है तो एटीएम कार्ड, हर एक एप्लीकेशन लगभग अब जो भी मनी से रिलेटेड एप्लीकेशन है वो आपकी एटीएम कार्ड के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, एक बात ये आ जाती है, जो मतलब कि स्टेट लेवल की बैंक्स होती है उसका एटीएम कार्ड आप ऑल ओवर इंडिया यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं हिमाचल का हूँ, और यहाँ पर जो मतलब कि कांगड़ा बैंक है उसका एटीएम कार्ड आप हर जगह यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है एक स्टेट लेवल के बैंक में आपका जो एटीएम कार्ड या फिर आपका कोई बैंक अकाउंट हो उसके ऊपर एटीएम कार्ड लेना काफ़ी मतलब कि प्रॉब्लम वाली चीज़ आ जाती है। दोस्तों, इसी तरह से आपके वहाँ पर भी मतलब कि कुछ स्टेट लेवल की बैंक्स होगी तो उसमें भी आपको इसी टाइप की मुश्किल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको हर एक एटीएम कार्ड के बारे में आपको सबसे पहले फुल इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए कि आपको उस एटीएम कार्ड की किस तरह से इम्पोर्टेंस है, या फिर आपको उस एटीएम कार्ड की इम्पोर्टेंस किस लेवल तक है। अगर आप डेली लाइफ में एटीएम कार्ड यूज़ करते हो तो आपको एटीएम कार्ड रखना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी के लिए एटीएम कार्ड थोड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आप ओवर यूज़ करें किसी भी चीज़ का तो आपको पता ही है कि बहुत बुरी चीज़ है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि जो 5 ट्रांजेक्शन होगी एटीएम कार्ड या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू, तो आपके मनी से मतलब कि जो आपका बैंक अकाउंट है वहाँ से आपके पैसे लिया जाएगा, कट हो जाएगा। और दोस्तों, एटीएम कार्ड के ऊपर लॉयल्टी फ़ीस भी देखनी पड़ती है। तो दोस्तों, जो लॉयल्टी फ़ीस होती है वो कई बैंक्स में बहुत ज़्यादा होती है, कई बैंक्स में बहुत कम होती है। मोस्टली जो इंटरनेशनल लेवल की बैंक्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा होती है जो लॉयल्टी फ़ीस है। और दोस्तों, आपको मतलब कि इस तरह से एटीएम कार्ड का कुछ नुकसान भी आपके जो बैंक अकाउंट के ऊपर होता है देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ अगर आप बात करते जैसे जस्ट मनी वगैरह की, तो उसमें भी आपको एटीएम कार्ड से मतलब कि जरूरत होती है एटीएम कार्ड की, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन वो काफ़ी इजी कर सकता है। तो दोस्तों, आपको इस टाइप के एप्लीकेशंस के ऊपर भी मतलब कि थोड़ा सा जोर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको कई तरह से मतलब की चीज़ें आपको इजीली प्रोवाइड कर सकता है, और बहुत ही मतलब कि लो कॉस्ट में। दोस्तों, पहली बात बता देता हूँ कि ये कोई प्रमोट वीडियो नहीं है उस एप्लीकेशन की। प्ले स्टोर में इस टाइप की कई एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे चैनल बीटेक। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस हर दिन लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।